अलवर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी और इनर व्हील क्लब अलवर के तत्वाधान में प्रकृति हॉस्पिटल अलवर में बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट जागरूकता फ्री कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शिव दत्त गुप्ता ने वीडियो के जरिए बीएमडी के बारे में जनता को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी टेस्ट हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट के जरिए ड्यूल एनर्जी एक्सरे एक्सजोरपर्टियोमेट्री डेक्सा मशीन की मदद से हड्डियों के घनत्व यानी डेंसिटी को परखा जाता है, साथ ही हड्डियों की कमजोरी की वजह का पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट के जरिए हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की जानकारी मिलती है। इस टेस्ट के जरिए ऑस्टियोपीनिया व ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों का कमजोर करने वाली बीमारी का पता भी लगाया जा सकता है। बीएमडी टेस्ट को करवाने की जरूरत खासतौर पर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों, मेनापोज होने के बाद महिलाओं को, कम उम्र में यूट्रस निकलवा चुकी महिलाओं को, जिन लोगों की हड्डियों में अवसर दर्द रहता है, जल्दी थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन करने से बोन डेंसिटी कम नहीं होती है। हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए आप कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ और डेयरी फूड, दही, दूध, मक्खन और पनीर का सेवन कर सकते हैं। फलों में स्ट्रॉबेरी फल, पपीता, अनानास, संतरा, केला, कीवी और सेब इत्यादि का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी 3 की टैबलेट खानी चाहिए। साथ में डॉक्टर नीलम सिंघल, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर कंचन बत्रा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी बीएमडी टेस्ट के लक्षण, रोकथाम और उपायों के बारे में जानकारी दी। आज हमारे यहाँ एक बीएमडी कैंप का आयोजन किया गया है। ये सभी 50 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक महिलाएं जिनको मेनोपॉज हो चुका है या जिनको मेनोपॉज होने वाला है, उनकी हड्डियों की जांच के लिए आयोजित किया गया है। इस कैंप में हम महिलाओं को यह समझा रहे हैं कि एक उम्र के बाद जब माहवारी बंद हो जाती है, ईस्ट्रोजन की कमी शरीर में पनपने लगती है, इन सभी का हड्डियों के और जोड़ों पर भी असर आने लगता है। इनकी वजह से हड्डियों के अंदर एक कमजोरी होने लगती है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी स्तन भंगुरता बोलते हैं। इसके लिए ये जांच होती है बीएमडी, बोन मैरो डेंसिटोमेट्री। इस जांच के द्वारा पता लगाया जाता है कि किन लोगों में हड्डी की कमजोरी है। चूंकि यह एज ग्रुप ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ज्यादा प्रोन होता है हड्डी की कमजोरी के लिए, इनमें ज्यादा खतरे होते हैं हड्डी की कमजोरी की बीमारियां, जैसे हल्के गिरने से फ्रैक्चर होना, कमर दर्द होना। तो इस उम्र के मरीजों के लिए बीएमडी रेगुलर चेकअप की सलाह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। औसतन साल में एक बार बीएमडी इस तरह इस उम्र के लोगों को जरूर करा देना। आज प्रगति हॉस्पिटल में एओडीएस और इनर व्हील क्लब ने बीएमडी कैंप रखा हुआ है। बीएमडी कैंप में हमें विटामिन D3 और कैल्शियम की बोन्स में जो डेंसिटी होती है उसकी एक जांच करनी होती है। अगर बीएमडी में अगर कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी पाई जाती है तो उसे हमें कैल्शियम और विटामिन D3 से सप्लीमेंट करना होता है और इसकी समय समय पर जांच करानी होती है। ज़्यादातर क्या होता है कि मेनोपॉज होने के बाद में बोन्स में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो जाती है, जिससे लेडीज को फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वो चल के हल्का सा भी गिरती हैं तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए आज हमने ये बीएमडी कैंप लगा रखा है। इसमें हम सभी लेडीज का बीएमडी टेस्ट करा रहे हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम रख रखा है, जिसमें उन्हें हमने एजुकेट किया है कि आपको समय समय पर ये जांच करानी है और विटामिन D3 और कैल्शियम रेगुलर लेना है। जिसमें कि महावारी बंद हो जाती है, वो फाइनल मेनस्ट्रेशन पीरियड होता है, उसके एक साल बाद की जो अवस्था होती है उसको मेनोपॉज कहते हैं। उसमें बॉडी में हार्मोन्स कम हो जाते हैं, वो हमारे हार्मोन बॉडी के जो बोन्स होती हैं उसकी ग्रीस का काम करते हैं, उसमें ग्रीस प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी बोन की जो कैपेसिटी होती है वो अंदर से खोखली होने लग जाती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और उस कंडीशन में लेडीजों को फ्रैक्चर होने का डर, थोड़ा सा उठते बैठते समय भी फ्रैक्चर हो जाता है, बाथरूम में फिसलते हैं, बहुत कॉमन है कि उनको फ्रैक्चर हो गया। तो हम उन्हें यही सलाह देंगे हमारे समाज में महिलाओं को जागृत करने के लिए जो 40 से ऊपर है, कि वो अपने नियमित बीएमडी चेक करवाएं, विटामिन D3 और कैल्शियम का चेकअप करवाएं, जिससे अगर उनको कैल्शियम की कमी है या उनकी बोन खोखली हो गई है तो उन्हें हम विटामिन D3 के सैचेट आते हैं,
वो पीने के रूप में भी आते हैं, और कैल्शियम की गोलियां प्रोवाइड करें, वो रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे कि उनकी बोन में ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, और अपने डाइट का ध्यान दें। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि वो रंग बिरंगे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, दिन में कम से कम 3 रंग बिरंगे फल खाएं, और दालों का भरपूर सेवन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और पानी नियमित रूप से 8 से 10 ग्लास